नमस्ते छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा का पहली इकाई का पाठ 10वां रात का चौकीदार पढ़ रहे हैं। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। गद्य संबंधी लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेषण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। दिसंबर जनवरी की हाड कपाती ठंड हो। हाड कपाती मतलब हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली, झमझमाती बरसती, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की राती। झमाझम मतलब चमक के साथ, उमस मतलब उष्णता। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। निरीह प्राणी मतलब बेचारा, सचेत मतलब सावधान, पक्का मतलब निश्चित। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे? कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्यौहार पर बाकी घरों में से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा मतलब निर्वाह। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो? पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो सकती है, शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दूतकार और धौस मिलना तो रोज की बात है। धौस
मतलब धमकी। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर उहा पोहा में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनत ताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। चौकसी मतलब सावधानी, जिंदे मतलब सजीव, शरीफ मतलब सज्जन, झिड़की मतलब डांट फटकार, दुत्कार लानत, तसल्ली मतलब भरोसा, नियंत्रण मतलब नियम या किसी प्रकार के बंधन में बंधना, एकाकी मतलब अकेला, निष्कपट मतलब जिसके मन में कपट न हो, असुरक्षित जिसे कोई सुरक्षा न हो, उहा पोह मतलब उधेड़ बुन, मेहनत ताना मतलब जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिलता है, श्रद्धा मतलब किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। धन्यवाद।